बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो मैंने घी और बटर निकाला था तो उसमें जो पानी सेपरेट हो गया था उससे क्या उसका क्या करें। तो उससे मैं पनीर बनाऊंगी। ये मैंने वही दूध ले लिया, मतलब वही पानी है ये जो सेपरेट हुआ था, उसको मैंने एक उबाल दे दिया है। और उसमें मैं डालूँगी विनेगर। विनेगर हम दूध को फाड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं इससे पनीर बना रही हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और ये फट गया है। और मैंने इसको स्ट्रेन करके अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसमें से विनेगर के सारे जो खट्टापन है वो निकल जाए। और इसमें से सारा पानी निचोड़ दिया है, ये पूरा 1 कप है। ठीक है, अब मैं इससे एक रेसिपी बताऊँगी आपको। 1 कप पनीर के सामने हमें लेना है 1 कप ही सूखा दूध, 1/4 कप चीनी और 1/2 कप दूध और 1 टेबल स्पून घी। तो ये है बर्फ़ी की रेसिपी। मैं बना रही हूँ कलकंद बर्फ़ी। तो मैंने ये पैन ले लिया है, लेकिन फ्लेम नहीं जलाएंगे, सिर्फ पैन में हम ये चीज़ें पहले मिक्स करेंगे फिर फ्लेम जलाएंगे। तो मैंने पनीर डाल दिया है और इसको हाथ से ही वो कर लिया है। और इसमें हम ये डाल देंगे दूध पाउडर, घी डाल देंगे और लिक्विड दूध डाल देंगे। इसको हम पेस्ट सा बना लेंगे। ये पेस्ट सा बन जाएगा, फिर हम फ्लेम जलाएंगे। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसको इतना भूनेंगे, इतना पकाएंगे कि ये पैन छोड़ने लगे। ये देखिए ये स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे जो कि 1/4 कप है। अब हम इसको चीनी डालते ही ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। फिर हम ये ऐसे ही करेंगे इसको कि अच्छी तरीके से भूनेंगे, पैन छोड़ देगा तो ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये रेडी हो गई है। अब मैंने एक बर्तन रह लिया है, इसको मैंने ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है। इसको भी ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी और फास्ट बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो गया है। मैंने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है इसको। अब मैंने इसको सजा दिया है, गार्निश कर दिया है। आपको जिस चीज़ से अच्छा लगे उससे वो लगाएं, उससे गार्निश करें। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।